हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सप्ताह की चार वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपका झारखंड के विभिन्न विभिन्न जिलों से निकली हुई है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का यूजफुल नोटिफिकेशन आपको लगातार प्रदान होता रहे। अब हम लोग वैकेंसी का सारा डिटेल देखते हैं। ये जो वैकेंसी है आपका केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची के द्वारा निकाला गया है। ये जो वैकेंसी है आपका जो कि वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से बहाली की जा रही है। ये जो आपका शैक्षणिक सत्र आप देख सकते हैं 2022 के लिए आपका विशेष स्पेशल एजुकेटर आपका पैनल करने के लिए अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका बहाली होने वाली है। उसी का आपका यहां पर इंटरव्यू का आयोजन के संबंध में ये सूचना है। ये आपका जो सूचना है आपका देख सके केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची के दिनांक 7/12/2022 को पूर्वाह्न 9 बजे किया जाएगा। इसमें देख सकते हैं पदनाम में आपका स्पेशल एजुकेटर का है, प्राइमरी के लिए है और आपका सेकेंडरी के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो यहाँ देख सकते हैं आरसीआई द्वारा निर्धारित योग्यता विस्तृत जानकारी आपका इसका वेबसाइट पर है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। और साथ ही साथ आपका कॉम्पिटेंस टेक थ्रू हिंदी और इंग्लिश मीडियम आपका होना चाहिए और डिजेबल में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन नॉलेज होना चाहिए। देख सकते हैं वेतन आपको 21,250 रुपया और 26,250 रुपया आपका वेतन क्लियर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको सत्यापन के लिए करने के लिए मूल प्रमाण पत्र आपको लाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि सभी प्रमाण पत्रों की आपका सेल्फ अटेस्टेड के साथ छह प्रति के साथ आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको इंटरव्यू के टाइम में आपको उपस्थित रहना पड़ेगा सारा डॉक्यूमेंट के साथ। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दिया गया है hinu.kvs.ac.in पर भी आप इसका बायोडाटा डाउनलोड कर सकते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्लियर किया गया है कि इसके लिए आपको TA/DA की नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसका ये देख सकते हैं आप स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पर क्लियर किया गया है कि आपका और साथ ही साथ आपका वेतन भी क्लियर किया गया है। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। देख सकते हैं कि आपका 12th पास एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी ऑफ द कैटेगरी डिजेबिलिटी बोला गया है। इसी तरह से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ संस्कार की तिथि और सूचना भी यहाँ दिया गया है कि 7/12/2022 वेडनेसडे को 9 AM में आपको यहाँ पर संस्कार का आयोजन किया जा रहा है। और हिनू में देख सकते हैं के भी हिनू रांची आपका क्लियर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विशेष शिक्षक के लिए भी यहाँ ग्रेजुएट विथ BEd स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको होना चाहिए या फिर आपका BEd जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर आपका क्वालिफिकेशन इत्यादि दिया गया है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका बायोडाटा आपका है जो कि आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए आपका है। इसी तरह से आपको डाउनलोड करके फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि सारा इसमें डिटेल से क्लियर किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। यह जो वैकेंसी है दोस्तों ये आपका जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के द्वारा निकाला गया है जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही वैकेंसी निकाला गया है जिसका आवेदन करने की अंतिम तिथि देख सकते हैं 4/1/2023 दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो बहाली होने वाली है आपका यहाँ कुल पद यहाँ देख सकते हैं ये आपका बैकलॉग का आपका है। कुल पद यहाँ पर देख सकते हैं NM के लिए आपका 99 पद है। ये आपका कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रोग्राम RCH के तहत आपका NM के लिए है। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं 10+2 है और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपका है। और उसके साथ ही साथ आपका NM कोर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन रिकोगनाइज आपको बोला गया है INC के द्वारा जो कि आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल से आपको यहाँ पर। और वेतन के रूप में 11,500 रुपया आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्लियर किया गया है कि मैट्रिक और इंटर आपका 10+2 जो है आपका 29 होना चाहिए, झारखंड से ही होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं उम्र सीमा की बात किया जाए तो उम्र सीमा में आपका जनरल के लिए आपका 35 साल और मैक्सिमम यहाँ देख सकते हैं विकलांग के लिए 45 साल, OBC के लिए आपका BC के लिए आपका सामान्य के लिए यहाँ देख सकते हैं 37 साल और मैक्सिमम 47 ईयर्स, PH कैंडिडेट के लिए फीमेल के लिए 38 साल और PH के लिए 48 साल, ST/SC के लिए आपका 40 साल और विकलांग के लिए 50 साल यहाँ पर क्लियर किया गया है। उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी 1/8/2022 के अनुसार किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है आपका अभिस्तु का जो चयन होगा प्राप्तांक रिटेन टेस्ट या स्किल टेस्ट के माध्यम से जो भी एक से अधिक लागू होगा उसी के अनुसार आपका चयन किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप
यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका मार्किंग सिस्टम यहाँ पर क्लियर किया गया है, देख सकते हैं इसी तरह से आपका मार्किंग किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आवेदन का जो शुल्क है, ये देख सकते हैं आवेदन का जो शुल्क है कि आपका समान कोटि और अन्य पिछड़ा वर्ग कार्मिकों के लिए आपका 400 रुपया दिया जाएगा, आवेदन शुल्क रहेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए आपका 200 रुपया रहेगा। और डिमांड ड्राफ्ट आपको संलग्न करना होगा, डिमांड ड्राफ्ट आपका भुगतान जो रहेगा आपका जिला स्वास्थ्य समिति पूर्वी सिंहभूम के नाम से आपको भुगतान करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर और सारा भी कंडीशन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं जो आवेदन का जो प्रक्रिया है, जो आप सभी तरह मतलब सभी तरह का पूर्ण जो आवेदन रहेगा वो आपको निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 4/1/2023 तक आपको अपराह्न 5 बजे तक आपको असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय खास महल आप पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर आप में आपका स्वीकार किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आवेदन जो है शैक्षणिक योग्यता तकनीकी योग्यता अनुभव प्रमाण पत्र जो भी रहेगा आपका आवासीय प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र और जन्मतिथि प्रमाण पत्र का सारा का आपको सेल्फ अटेस्टेड करके 2 पासपोर्ट साइज का फोटो और बैंक ड्रॉप अमूल पत्ति के साथ प्रचार के लिए लिखित लिफाफे में आपको 32 रुपये का डाक टिकट के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, न तो फिर आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लिखा गया है कि लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या और पद का नाम भी आपको अंकित करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये जो है आवेदन का विहित प्रपत्र है। यह वैकेंसी भी आपका जो है ये आपका नियमित भर्ती के लिए निकाला गया है। आप देख सकते हैं ये जो पदों की संख्या जो देख सकते हैं आप कि एनएम के लिए आपका 120 है, स्टाफ नर्स के लिए 49 है जो कि आरसीएच के तहत है आपका। और साथ ही साथ देख सकते हैं जीएनएम आरसीएचई एनसीटी क्लिनिक के लिए आपका 3 पद है, ब्लॉक डाटा मैनेजर के लिए 9 पद है, न्यूट्रल कोर्स का आपका 3 पद है, फार्मासिस्ट का आपका 14 पद है, स्टाफ नर्स के लिए आपका 1 पद है, डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 पद है, सोशल वर्कर के लिए 1 पद है, काउंसलर और डिस्ट्रिक्ट एनसीटी क्लिनिक के लिए आपका 1 पद है, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं असिस्टेंट के लिए 1 पद है, सिंथेटिक सोशल वर्कर के लिए 1 पद है। यहाँ देख सकते हैं क्वालिफिकेशन भी दिया गया है कि 10+2 आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ आपका देख सकते हैं एनएम कोर्स होना चाहिए एएनसी के तहत और रजिस्टर जो होना चाहिए आपका झारखंड से। वेतन आपको 11,500 रुपया दिया जाएगा। स्टाफ नर्स के लिए भी आपका क्लियर किया गया क्वालिफिकेशन, वेतन आपको 16,564 रुपया दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सारा इसका क्वालिफिकेशन है, सारा डिटेल यहाँ पर क्लियर किया गया है और एज वगैरह भी सारा यहाँ पर क्लियर किया गया है जो कि यह आवेदन का प्रारूप है, इसी तरह से क्लियर किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है 4/1/2022 क्लियर किया गया है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं। और आपको यहाँ पर भी 32 रुपये का आपका टिकट यहाँ पर साटना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको विज्ञापन के ऊपर लिखना पड़ेगा सारा डिटेल। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। जो वैकेंसी है दोस्तों ये आपका संत जोन्स हाई स्कूल का है, जिसमें आपका देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है आपका देख सकते हैं संत जोन्स उच्च विद्यालय नवा टार्प आपका विसंग खटंगा थाना मांडर में रांची द्वारा स्वीकृत आपका जो पद है यहाँ पर देख सकते हैं रांची में आपका सरकार द्वारा स्वीकृत पद में आपका झारखंड सरकार का देय वेतनमान में एक आपका आदेशपाल की आवश्यकता है जो कि स्थानीय उम्मीदवार और महिला उम्मीदवार को यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिकता दी जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ जो योग्यता की बात किया गया है आपका मैट्रिक 29 और उम्र सीमा जो होगी ये आपका झारखंड सरकार के द्वारा ही जो आपका मान्य रहती है वही मान्य रहेगी। और साथ ही साथ 100 अभिप्रमाणित आपका छायापति आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा उसका आपको संकलन करना देना पड़ेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं उपस्थित रहना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम में आपको। साथ ही साथ आपका दिनांक 16/12/2022 के अपराह्न 3 बजे तक आपका निबंधित डाक के द्वारा सचिव के पदनाम पर भेज सकते हैं। दिनांक आपका 17/12/2022 के पूर्वाह्न 10 बजे मूल प्रमाण पत्र के साथ लिखित परीक्षा हेतु उपस्थित हो और इसके लिए TADA नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। यह जो वैकेंसी है दोस्तों ये आपका कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक अभिक्रम आत्मा रांची के
द्वारा निकाला गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपका पदनाम में आप देख सकते हैं प्रखंड तकनीकी प्रबंधन का है, जो कि 5 पदों पर आपका बहाली होने वाली है। साथ ही साथ आपका सहायक तकनीकी प्रबंधन का है, जो कि आपका 48 पदों पर बहाली होने वाली है। क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इन आपका एग्रीकल्चर होना चाहिए या फिर एलाइड सेक्टर विथ कंप्यूटर स्किल होना चाहिए। इसमें भी आपका ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर किया गया है। एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो पहले पद के लिए आपका मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर का आपका यहाँ पर सहायक तकनीकी प्रबंधन में होना चाहिए। नियुक्ति का जो प्रकार रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगा, और अनुबंध का आपका 1 वर्ष के लिए रहेगा। वेतन आपको 30,000 रुपया प्रतिमंथ दिया रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं सहायक तकनीकी प्रबंधन के लिए 25,000 रुपया आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आपका जो पदनाम के लिए आपका जो है जो पदों की संख्या है कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका किस टाइप से आपका शैक्षणिक जो योग्यता के अनुसार आपका जो अंक जुटेगा उसके बारे में सारा डिटेल दिया गया है, जो कि अभी 1 साल के एक्सटेंशन रहेगा, बाद में यहाँ पर एक्सटेंशन होते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो आपका जो 1/4/2022 की तिथि से 45 वर्ष से आपका कम अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और आवेदन जो शुल्क रहेगा आपको 500 रुपया यहाँ पर आपको देख सकते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा रांची के नाम से आपको पेबल एट रांची में आपको करना पड़ेगा, देख सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर क्लियर किया गया कि जो भरा हुआ आवेदन जो है आपका परियोजना निर्देशक आत्मा रांची संयुक्त जिला कृषि कार्यालय कृषि भवन कैंपस कांके रांची पिन कोड दिया गया है कार्यालय के पते में आपको 29/12/2022 तक समय 5 बजे तक आपको निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना पड़ेगा, यहाँ देख सकते हैं। यह आपका आवेदन का प्रारूप है जिसमें आपको फोटो भी संलग्न करना पड़ेगा 4CM × 5CM का, और साथ ही साथ सारा फिलअप करके आपको दिए गए पते पर भेज देना होगा। आशा करते हैं कि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का यूजफुल नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होता रहे।